Hello everyone, welcome to PYQ series. So in this particular video, we will solve CAT 2019 ka ratio, proportion and variation ka question. So I found three questions which belongs to this topic, ratio, proportion and variation topic. So without delay, let's start the solution of question. So this is the first question. So let's read it guys, the first question. So Amla, Bina and Gauri invest money in the ratio of 3:4:5 in fixed deposit having respective annual interest rates in the ratio of 6:5:4. Okay. So what is their total interest income? Interest income, total interest income we have to find after a year. Okay. If Bina interest income exceed Amla by 250. So yahan pe ek condition de diya hai jisse humko इंटरेस्ट रेट पता चल जाएगा. सो उस कंडीशन से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. ए बी एंड जी मनी इन्वेस्टेड इन रेशियो ऑफ 3:4:5. सो लेट्स सपोज दैट कि ए ने 300x मनी इन्वेस्ट किया. अगर हमको रेशियो को ब्रेक करना है तो कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो. सो 100x से मल्टीप्लाई कर दो. बी ने 400x इन्वेस्ट किया एंड जी ने 500x इन्वेस्ट किया. एंड नाउ द इंटरेस्ट रेट इज 6:5:4. अब देखो क्या है कि यहाँ जो ये इंटरेस्ट है इसको हम एज इट इज भी लीव कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी एक कुछ वेरिएबल ले सकते हैं. जैसे मान लो वाई ले लिया, वाई ले लिया, वाई ले लिया. यहाँ विदाउट वाई लेकर भी हम कर सकते हैं सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया. सो जो भी मेरा सॉल्यूशन आएगा वो उसी प्रोपोर्शन में आते जाएगा. सो नो नीड टू हेयर टेक वेरिएबल. अगर आपको चेक करना है सो यू कैन टेक वेरिएबल एंड सॉल्व करना, देखना फिर भी आंसर सेम आएगा. अब देखो मान लो कि 6% का ये हटा दो रेशियो, 6% का यहाँ रेट है, ये 5% का रेट है, ये 4% का रेट है. सो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 300 पे 6%, दैट इज 18x. 5% 20x, 4 20x, 4 4 20x. ओके. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड लाइक टोटल इंटरेस्ट इनकम. सो दिस इज द टोटल इंटरेस्ट इनकम. ए का 18, बी का 20x और जी का 20x. इसको अगर हम टोटल ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल इंटरेस्ट इनकम 58x. अब देखो यहाँ से एक डायरेक्ट सॉल्यूशन भी हम लोग कर सकते हैं. अगर लेट सपोज ये नंबर अगर छोटा होता, ये नंबर अगर छोटा होता तो हम डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन इलिमिनेट कर लेते. डायरेक्ट इसको 58 जो भी ऑप्शन होगा वो 58 का मल्टीपल होगा. सो वहाँ यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं. बट ये नंबर थोड़ा सा बिग है सो डिवाइड करना इट्स नॉट अ फिजिबल थिंग. लेकिन अगर हम इसको डिवाइड भी करेंगे तो सारा ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और ये डी ऑप्शन ओनली डिवाइड होता है. सो लेट्स की डी अभी आंसर है मेरा. अब चेक करते हैं इसको बेसिक अप्रोच. अब क्या बोल रहा है कि बीना का जो इंटरेस्ट इनकम है अमला इंटरेस्ट इनकम से एक्सीड कर रहा है 250 का. इट मीन्स डेट बीना और अमला का डिफरेंस जो है इंटरेस्ट इनकम वो 250 है. सो 2x = 250. सो x = 125. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड वी हैव टू फाइंड 58x. सो 125 × 58. सो 800 और 1000 एंड दिस वन. सो 5 2 10 2 1 5 6. सो 0 5 2 7 7 2 5 0. सेटिस्फाई, डिसेटिस्फाई कर गया. अगर जैसे ये क्वेश्चन था, अगर यहाँ पे मेरा स्मॉल वैल्यू आता तो नो नीड टू डू दिस थिंग्स. ये करने के नीड ही नहीं थी. डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन चेक करो, जो सेटिस्फाई किया उसको मार्क करो, आगे बढ़ो. अगर बाय द वे दो ऑप्शन सेटिस्फाई करता है देन हमको ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन. सो लेट्स रीड इट गाइस. इन एग्जामिनेशन रमा स्कोर वाज 1/12 ऑफ द सम ऑफ स्कोर ऑफ मोहन एंड अंजलि. ओके. आफ्टर अ रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम
आफ्टर अ रिव्यू ईच ऑफ देम इंक्रीज्ड बाय 6 ओके द रिवाइज्ड स्कोर ऑफ अंजलि मोहन एंड रामा, अंजलि मोहन एंड रामा वर इन द रेशियो ऑफ 11:10:3 ओके कूल, देन अंजलि स्कोर एक्सीड रामा स्कोर बाय, सो वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस, अंजलि और रामा का डिफरेंस क्या है। सो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो लेट्स सॉल्व करते हैं कि 3 पर्सन है मेरे पास, अंजलि मोहन एंड रामा। सो लेट्स अज्यूम दैट कि अंजलि मोहन और रामा इनिशियली स्कोर किए थे एक वाई और जेड। अब वन कंडीशन है, रामा स्कोर बाय 1/12 ऑफ द सम ऑफ स्कोर ऑफ अंजलि एंड मोहन, सो जेड इक्वल टू 1/12 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक मुझे रिलेशन मिल गया जेड एक्स एंड वाई में। नाउ आफ्टर अ रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज्ड बाय 10%, मीन्स आफ्टर रिव्यू जो है वो अंजलि मोहन और रामा का स्कोर कितना हो जाएगा। तो देखो ये सभी चीजें मैं लिख रहा हूँ ना, अगर एग्जाम सिनेरियो में सॉल्व करना होता ना तो आई वुड नॉट राइट दिस थिंग्स। जैसे मैं यहाँ ऐसे करता सीधा एक्स प्लस सिक्स या भी वाई प्लस सिक्स और जेड प्लस सिक्स, बट मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ये सभी चीजें लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये थिंग्स लिखने की नीड नहीं है। चलो नहीं लिखते हैं हटाओ इसमें। अभी देखो आफ्टर रिव्यू के बाद इतना आ गया एक्स प्लस सिक्स जेड प्लस सिक्स, क्या बोल रहा है कि द रिवाइज स्कोर उसका रेशियो दिया है 11:11:10:3। सो लेट्स की इसको हम ब्रेक करते हैं। सो यहाँ पे अंजलि का स्कोर ब्रेक करने के लिए लेट्स एट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अंजलि का स्कोर 11 है, मोहन का स्कोर 10 है और रामा का स्कोर 3 है। देखो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, लाइक अंजलि का स्कोर एक्सीड रामा स्कोर, मतलब हमको ए वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड हेयर इज एक रिलेशन है हमको जेड एक्स और वाई में। सो हम लोग क्या करेंगे अभी कि एक्स को ए के टर्म में ले लेकर आते हैं। सो एक्स इक्वल टू 11a-6, वाई इक्वल टू 10a-6 एंड जेड इक्वल टू 3a-6। एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ ए के टर्म में आ गया, वी हैव द रिलेशन, सो पुट हेयर। सो जेड 3a-6 इक्वल टू 1/12 इंटू एक्स प्लस वाई, सो 10:21a-12 कट होगा, कुछ कट होगा 7:3, 4:3 एंड यहाँ पे भी 4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 12a-24 इक्वल टू 7a-4। सो इसको इधर ये 5a एंड दिस वन 20, सो ए इक्वल टू 4। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 4 एंड वी हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन द अंजलि का स्कोर डेट इज ये है ना अंजलि का स्कोर, नो नो आफ्टर रिव्यू के अंजलि स्कोर एक्सीड रामा स्कोर, रामा स्कोर ओके। सो आफ्टर रिव्यू मतलब ये वाला है, सो अंजलि एंड रामा दोनों का डिफरेंस कितना है, सो 8a एंड वी हैव द वैल्यू ए इक्वल टू 4, सो 8 × 4 इक्वल टू 32, सो 32 डेट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अंजलि का स्कोर एक्सीड जो आफ्टर रिव्यू के बाद है, तो आफ्टर रिव्यू के बाद का स्कोर तो यही है ना जो रेशियो में दिया हुआ है, तो इसी का तो डिफरेंस लेना है हम अपने को। सो 8a, सो दैट इज 32। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, दिस इज द आवर लास्ट क्वेश्चन एंड गाइज इफ यू आर लाइकिंग द सॉल्यूशन ना देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड एंड डू कमेंट व्हाट यू फील अबाउट द वीडियो एंड सॉल्यूशन। सो लेट्स रीड गाइज, द सैलरीज ऑफ रमेश गणेश एंड राजेश वर इन द रेशियो ऑफ 6:5:7 इन 2010 ओके एंड इन द रेशियो 3:4:3 इन 2015 ओके,
और 10 का सिनारियो दिया हुआ है। कूल, इफ द रमेश सैलरी इंक्रीज बाय 25% ड्यूरिंग 2010 से 15, ओके, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश सैलरी ड्यूरिंग दिस पीरियड इज क्लोजेस्ट टू, ओके, वेरी गुड। सो वी हैव 2010 एंड 2015 एंड 3% इज रमेश, गणेश एंड राजेश, एंड 2010 का रेशियो इज 6:5:7। ब्रेक करते हैं रेशियो को, लेट्स एक्स से मल्टीप्लाई 10x से, 10x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 50x। देखो यहाँ 10x से मल्टीप्लाई करने का रीजन सिंपली ये था कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 25% का। अगर बाय द वे 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो डायरेक्ट 1/4 6 5/4 60। सो यहाँ पे हम यहाँ अगर 10 से मल्टीपल लिया तो इसको मतलब इंटीजर में वैल्यू मेरा आएगा जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसलिए मैं 10 का मल्टीपल लिया। अदरवाइज अगर सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करता तो ये 6x होता, तो 6x का 1/4। यहाँ देखो फ्रैक्शन में मुझे डील करना पड़ता है, सो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने 10 का मल्टीपल लिया यहाँ पे। अब 2015 का 3:4, यहाँ भी 10 का मल्टीपल ले लो, 30 बाई 40 बाई 30 बाई। अब क्या बोल रहा है कि रमेश का सैलरी इंक्रीज हुआ है 25% का, मतलब ये 25% इंक्रीमेंट हुआ है 2010 से 15 के बीच में। सो 60x में 25% का इंक्रीमेंट, इट मीन्स 5/4 इक्वल टू 30y। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इंक्रीमेंट परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने वीडियो में पढ़ा है। सो 2 2, सो x 5/2 इक्वल टू y। एंड अब देखो यहाँ पे y का वैल्यू 5/2 x आ गया। सो अब हम इस टर्म को x में लेकर आ सकते हैं। क्यों लेकर आना? क्योंकि तभी तो मैं ये कर सकता हूँ ना, कहाँ गया, जो परसेंटेज इंक्रीज है राजेश, मतलब सिंपल परसेंटेज इंक्रीज जा रहा है राजेश का सैलरी, क्या होना चाहिए, 30y-70x/70x, यही तो है, into 100, सिंपल है। यहाँ वाई का वैल्यू पुट कर दो, तो 30 into y का 5/2x-70x/70x, सो दिस वन इज 15 and 5 75 75 75 x, x x कैंसिल करते हैं, और -70/70, सो 5/70 into 100, सो ये खत्म, 102 10, सो 50/7, सो 7 7 जा 49, 10.134, तो 17.14 समथिंग परसेंटेज आया। एंड वी हैव टू फाइंड द क्लोजेस्ट वन, सो क्लोजेस्ट इसका क्या वैल्यू होगा, इट इज 7, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन से भी देख सकते हो इसका क्लोजेस्ट 7 ही होना, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो आई होप दिस क्लियर टू यू गाइज, वेरी बेसिक क्वेश्चन, ऑल द 3 क्वेश्चन आर बेसिक। दिस वन इज अ मीडियम कैटेगोरी, बट दिस वन इज अ बेसिक एंड दिस वन इज ऑल्सो अ बेसिक। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2020 का रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।